जय हिंद जय भारत साथियों। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कल जो घटना हुई है उसके बारे में। सुबह से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, मेरी राय जानना चाहते हैं कि सर जो ये नोटबंदी पार्ट टू किया गया, 2000 के नोट को बंद किया गया, विड्रॉ करने का आरबीआई ने फैसला लिया, इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये फैसला क्यों लिया गया, इसके राजनीतिक मायने क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, उसके बारे में बात करनी है या उसके बारे में आपकी राय जाननी है, आप अपनी राय दें। तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए, एक ज्वलंत मुद्दा भी है। वैसे तो मैं पर्सनली ये मानता था पहले दिन से ही 2000 का नोट एक बहुत बड़ी गलती थी, इससे लागू नहीं करना चाहिए था, इसे लॉन्च नहीं करना चाहिए था। वैसे भी कॉमन सेंस है, अगर 1000 रुपए के नोट से भ्रष्टाचार बढ़ता है तो 2000 के नोट से भ्रष्टाचार कम होगा कि बढ़ेगा, ये तो कोई लेमन बता सकता है, कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि 2000 के नोट से भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ना ही था। तो 2000 का नोट लॉन्च करना ही एक अपनी बड़ी गलती थी, उस गलती को रेक्टिफाई किया है आरबीआई ने, नरेंद्र मोदी जी ने उस गलती को ठीक करने का काम किया, जो एक गलती खुद ही हुई थी। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा कि फायदा होगा, मोटे मोटे तौर पर मुझे ऐसा लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान का मुद्दा साबित होने वाला है। दो कारण है मेरे ऐसा कहने के, एक तो सबसे बड़ा कारण है कि नोटबंदी की याद ताजा कर दी इस नोटबंदी ने, और तो इससे जनता पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 2000 के नोट पहले से ही चलन में बहुत कम हो गए, 2.5 लाख करोड़ के लगभग करेंसी अभी 2000 के नोट के रूप में है, और आम जनता के पास लगभग 90-95% जनता के पास 2000 के नोट नहीं है। कल जब ये फैसला हुआ तो मैंने घर जाकर के चेक किया, अपनी वाइफ से बात की, देखा घर में 2000 के नोट है कि नहीं है, एक नोट मिला मात्र 2000 रुपए का। तो 2000 के नोट वैसे ही चलन से बाहर पहले से ही हो चुके थे, ना एटीएम से मिल रहे थे ना बैंक दे रहा था, और ये इंडिकेशन भी था पिछले 6 महीने में लगभग, ये इंडिकेशन था कि कभी ना कभी ये फैसला आएगा, ये फैसला आया, आना ही था क्योंकि गलती थी तो उसको सुधारना था। तो सबसे पहला तो नुकसान ये होगा भारतीय जनता पार्टी को कि इसने नोटबंदी की याद ताजा कर दी, तो नोटबंदी का जो जख्म पुराना हो गया था उसको कुरेद दिया गया, अब लोगों को याद आ रहा है कैसे उनकी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई, ये कह करके वापस ले ली गई कि कालाधन समाप्त हो जाएगा, हम कालाधन ले आएंगे या बहुत सारा पैसा बैंकों में वापस नहीं आएगा, जबकि 99.3% पैसा बैंकों में वापस आ गया और उस नोटबंदी का कोई लाभ नहीं हुआ। और क्योंकि उसका लाभ नहीं हुआ इसलिए इस बार आरबीआई को आगे किया गया, नरेंद्र मोदी जी 8 बजे आकर के खुद नहीं बोल पाए क्योंकि उनको पता था कि पहले मुझसे गलती हो गई है, मैंने ही कहा था 2000 का नोट लॉन्च कर दिया जाए और अब मैं ही कहूंगा कि 2000 का नोट वापस ले लिया जाए, तो मेरी पहले या तो मेरा पहला फैसला गलत माना जाएगा या मेरा बाद का फैसला गलत माना जाएगा। अच्छा, कई लोग इसमें भी तर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो पहले नरेंद्र मोदी जी ने सबको मौका दिया कि आप 2000 के नोट इकट्ठे कर लो और फिर एकदम से नोटबंदी कर देंगे और फिर 2000 के नोट जो है वो आपके चलने बंद हो जाएंगे, खराब हो जाएगा, तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। सच्चाई बताऊं, अमीरों का कभी नुकसान नहीं होता, ये आपको पार्टीबाजी में धर्म के नाम पर, विचारधारा के नाम पर लड़ाते रहेंगे, बड़े लोगों का कभी नुकसान नहीं होता। आपको क्या लगता है पहले नोटबंदी में बड़े लोगों के पास पैसा नहीं था क्या, क्या ब्लैक मनी नहीं था और क्या उनके वो नोट चेंज नहीं हुए, हो गए थे, इस बार भी हो जाएंगे। बैंकों में जो पैसा पड़ा हुआ है बैंक बताएगा कि हमारे पास 50,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है और 50,000 करोड़ में 90% 2000 के नोट है, जबकि होगा 10% 2000 के, बाकी 500 के 100 के होंगे और फिर वो बदल दिए जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बड़े लोगों की बड़े स्तर पर सेटिंग होती है, आप सोच भी नहीं सकते किस स्तर पर वो सेटिंग करते हैं, तो इससे बड़े लोगों को तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है और आम इंसान के पास पैसा है ही नहीं तो उसका वैसे नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन ये इसने ये पर्दा जो था ना, या ये जो इमेज थी कि नरेंद्र मोदी जी गलती नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी गलती नहीं करती, वो पर्दा हटा दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने एक गलती की और उस गलती को स्वीकार कर लिया कि हमारी गलती थी, तभी 2000 का नोट लॉन्च किया, वापस ले लिया गया है, लॉन्च करना ही गलती था और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आप थोड़े दिन में सुने कि 1000 का नोट लॉन्च कर दिया गया, यानी जो पहले नोट चलते थे 500 का, 1000 का और 100 का या बाकी नोट, वो नोट चलन में वापस आ गए, यानी पुराने वाले नोट नहीं आए लेकिन उसी वैल्यू के नोट वापस आ गए और नोटबंदी का कोई लाभ तो हुआ ही नहीं था, वो तो सबको पता ही है। लेकिन अब लोग सवाल करने लगे कि फिर नोटबंदी से जो व्यापार पर इंपैक्ट पड़ा, जो हमारी जमा पूंजी थी, जो हमारा अनअकाउंटेड मनी था, उसको आपने कालाधन मान लिया, कालाधन के रूप में स्वीकार देखना शुरू कर दिया, जबकि वो सरकार की गलती थी। तो भारतीय जनता पार्टी को पहला नुकसान तो ये होने वाला है कि वो जख्म हरे होने वाले लोगों के और होने लगे हैं। फिर जो थोड़ा बहुत व्यापार चल रहा था, अभी वैसे तो व्यापार की हालत खराब ही है, नोटबंदी जीएसटी लॉकडाउन के कारण व्यापार ठप ही है लगभग, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जहाँ डीलिंग हो रही थी, कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही, कहीं कुछ और हो रहा है, और हम सब जानते हैं भारत में
ज्यादातर प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी होता है, गोल्ड में ब्लैक मनी होता है, वहां पर 2-2 हजार के नोट चलते हैं, तो वो डील बंद हो जाएगी, नोट बदल जाएंगे, ये कंफर्म है। ऐसा नहीं उनका नोट कूड़ा हो जाएंगे, पैसा कूड़ा हो जाएगा, कोई 2000 का नोट आपको नाले में बहावा नहीं मिलेगा, लेकिन वो डील नहीं करेगा इस समय पर, क्योंकि जो लेगा वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा, और जो देगा लोग चाहेंगे कि वो पहले कन्वर्ट करके फिर लेकर के आए। हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़े दिन के लिए रुक जाए, डील रुक जाए, या प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाए, मार्केट में थोड़ा सा और रिसेशन का झटका लग जाए, और जो आम लोगों पर इंपैक्ट पड़ेगा, अगर बड़े लोगों के पास पैसा है और वो पैसा सर्कुलेशन में आता है और उनका कुछ पैसा डूब जाता है या नुकसान हो जाता है, व्यापार पर दिक्कत आ जाती है, कुछ इंडस्ट्रियां बंद हो जाती हैं, तो अल्टीमेटली वो पैसा नीचे आना बंद हो जाएगा, सर्कुलेशन में आ जाएगा, बैंकों में तो चला जाएगा, लेकिन वो जो जनता पर खर्च होना था, जो नीचे पैसा आना था, शायद वो पैसा उतना नीचे नहीं आ पाएगा, और क्योंकि पैसा नीचे नहीं आएगा तो इससे मार्केट पर एक इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है, और सीधा सीधा इससे नुकसान किसको हो रहा है, व्यापारियों को हो रहा है। व्यापारी किसका वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, आम जनता पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, जो भी इंपैक्ट पड़ेगा कम या ज्यादा बड़े व्यापारियों पर पड़ेगा, थोड़े समय के लिए पड़ेगा, व्यापारियों का उद्योग पर इंपैक्ट पड़ेगा, उनकी डीलिंग पर इंपैक्ट पड़ेगा, और इससे जो नोटबंदी के जख्म हरे हो गए वो इंपैक्ट पड़ेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होने वाला है और किसी को इसमें कोई नुकसान नहीं। दूसरा, जो हमारी ब्लैक मनी है उस ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए 2000 का नोट निकाला गया, ऐसा बताया गया। अभी मैं मीडिया के लोगों को, चैनलों को देख रहा था कि 2000 नोट का नोट एक मास्टर स्ट्रोक था, और अब नोट वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कितनी बड़ी मूर्खता वाली बात करते हैं। एक तो डिबेट में व्यक्ति बोल पड़ा कि इसमें चिप होती है, पहले बताया था सुधीर चौधरी जी ने, श्वेता जी ने, कि इसमें नैनो चिप होती है, और वो जोक चल रहा है कि नैनो चिप की कीमत 5000 रुपये होती थी एक नोट की, नैनो चिप की कीमत, पाकिस्तान के लोग भारत के 2000 के नोट इकट्ठा करके उसमें से नैनो चिप निकाल लेते थे, और नैनो चिप निकाल करके वो अमीर बनने थे, और नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए, उनकी इकोनॉमी कमर तोड़ने के लिए 2000 का नोट बंद कर दिया, ताकि वो जो नैनो चिप निकाल रहे हैं वो नैनो चिप ना बेच पाए, वो ना निकाल पाए। कैसी बड़ी मूर्खता वाली बात करते हैं लोग, ना तो पहले नैनो चिप थी, वो सुधीर चौधरी जी को माफी मांगनी चाहिए।